हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं गेमिंग रिव्यू करने वाला हूँ वीवो V20 का आफ्टर लेटेस्ट यूआई अपडेट फनटच OS 12 के अपडेट के बाद से। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, बट आप लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि भाई गेमिंग रिव्यू करो। तो फाइनली आज की वीडियो में करूँगा मैं गेमिंग रिव्यू। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फनटच OS 12 में मेरा डिवाइस जो है अपडेटेड है Android 12 पे। और इससे पहले जो मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियोज़ में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी किया था कि सोलो गेमिंग रिव्यू लेकर के आओ और FPS टेस्ट करो। यहाँ पर FPS के साथ साथ पिंग इशू देखने को मिलती है, गेम में लैग कितना होता है, परफॉर्मेंस कितना ख़राब हुआ है और कितना आपको जो FPS है वो हाइएस्ट फ्रेम रेट कितना देखने को मिलता है। तो फाइनली आज जो है मैं BGMI यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले इस फ़ोन का फुल रिव्यू, फुल टेक्निकल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्रॉब्लम्स, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। वो अगर आप अभी तक नहीं देखा तो जाकर फटाफट देख लो, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फटाफट यहाँ पर मैं BGMI को ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये गेम ओपन हो रहा था तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सब जानते हो कि मैं आपको कितना हेल्प करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोग के लिए, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। इतना डीमोटिवेट क्यों करते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर दो, आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए हमेशा हार्डवर्क करने का। अगर कोई भी दिक्कत आएंगे तो इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करता हूँ। और एक सेकेंड चैनल भी है गेमिंग चैनल, वहाँ पर भी उसको सब्सक्राइब मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर भी आपको हमेशा गेमिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेगी। तो आज का जो ये गेमिंग करूँगा ना, इसके ऊपर मैं आपको गेमिंग रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, है ना। गेम का मैं यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर BGMI ओपन कर लिया है, अभी चलेंगे सेटिंग में और एक एक दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर FPS मुझे कितना देखने को मिलता है। उससे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पर कुछ सेटिंग जो आपको देखने को मिलती है फनटच OS 12 में। थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस को करेंगे फुल, इसको थोड़ा सा मैं डार्क मोड से हटा लेता हूँ। चलिए अब जो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है फनटच OS 12 में, यहाँ पर अभी देखोगे आप कि आपको बैटरी सेविंग मोड दिखेगा, यहाँ पर बैलेंस मोड दिखेगा, परफॉर्मेंस मोड दिखेगा। नीचे में भी आप आओगे तो बहुत सारा चीज़ आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे फीचर ऐड किए गए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहीं से कर सकते हो, कस्टम में व्हाट्सएप वगैरह, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, एंड कॉल, रिजेक्ट कॉल, ब्राइटनेस लॉक करने का भी बहुत सारा आपको फीचर्स देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये जो मल्टी टर्बो गेम का फीचर्स है ना, 4D गेम वाइब्रेशन वगैरह, इससे क्या कर सकते हो आपके इसका पूरा फुल एंजॉय ले सकते हो। आप लोगों के लिए एक बेस्ट फीचर्स रहेगा आप लोगों के लिए फनटच OS 12 में जो मुझे देखने को मिला ये फीचर्स। अब चलिए फटाफट से चलेंगे हम सेटिंग में, आपको ग्राफिक्स सेटिंग दिखा दूँ सबसे पहले। तो ग्राफिक्स में आपको जो आप FPS है यहाँ पर देखेंगे, FPS जो आपको स्मूथ अल्ट्रा पे ही आपको 40 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है, बैलेंस भी 40 FPS गेमिंग कर सकते हो, और HD पे आप 30 FPS HDR पे गेमिंग नहीं कर सकते हो। एक बार यहाँ पर चलिए फटाफट चलेंगे अरीना पे, और अरीना पे देख लेते हैं क्या कुछ फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लगाएंगे अरीना, और अभी जो है मेरा मोबाइल का नेटवर्क अभी ऐड किया हुआ है यहाँ पर, मैंने दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट लेकर के वाईफाई कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस फोन में वाईफाई कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही, तो वाईफाई कनेक्टिविटी लगाकर मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि वाईफाई में आपको देखता हूँ पिंग इशूज़ कितना देखने को मिलता है, और पिंक के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको हीटिंग इशूज़ कितना देखने को मिलता है, और ब्राइटनेस ड्रॉप कितना होता है, क्योंकि हीटिंग इशूज़ था इस फोन में Android 12 के अपडेट के बाद से, और ब्राइटनेस भी ड्रॉप हो रहा था। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, क्योंकि बहुत लोग गेमिंग भी करते हैं, तो गेमिंग जो लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर गेम प्ले का वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिया। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने के बाद अभी जो टेम्परेचर था ये अराउंड आपको 34-35 डिग्री, मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है अराउंड, ये आपको 29 डिग्री से टेम्परेचर मैंने स्टार्ट किया है, और देखता हूँ कि हाईस्ट टेम्परेचर कितना देखने को मिल रहा है। मेरे बगल में मैंने PC लगा रखा, तो PC में सारा कुछ टेम्परेचर वेंचर आपको FPS सारा कुछ देखने को मिलता है। अभी क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर आपको जैसे ही आप मोस्टली गेम प्ले करते हो ना, आधे घंटे से ऊपर, एक घंटे से ऊपर, दो घंटे से ऊपर, तो क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा डिवाइस जो आपका हीट हो जा रहा है, आपको हीटिंग इशू देखने को मिल रही है, और साथ में आपका ज़्यादा डिवाइस हीट होने की वजह से आपका ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर ले रहा है। इनफैक्ट जब आप आउटडोर पर गेमिंग करोगे तो आउटडोर पर गेमिंग करने के बाद वहाँ पर भी आपको हीटिंग इशू देखने को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि आउटडोर में आपको ब्राइटनेस को हमेशा फुल करके आपको गेम प्ले करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको हीट इशू ज़्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट और हीट इशू होने की वजह से बैटरी ड्रेनिंग भी फास्ट होने को देखने को मिलता है।
चलिए अब यहाँ बात कर लेते थोड़ा सा गेम के परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जो है भाई ना, मुझे एंड्रॉइड 11 पे बेटर लगा था एंड्रॉइड 12 में, क्योंकि 12 में आपको 4-5 इशूज जो है ना वो आपको मेजर फेस करने पड़ेंगे गेम प्ले के दौरान। सबसे पहला होता है हीटिंग इशूज, दूसरा FPS ड्रॉप, तीसरा लैग और चौथा ब्राइटनेस ड्रॉप, और पाँचवा होता है आपको बैटरी ड्रेनिंग। ये जो पाँचों इशूज हैं ना आपको देखने को मुझे मिला है एंड्रॉइड 12 में। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर 201 MB का अपडेट आया था मेरे फ़ोन में, सेकेंड अपडेट आफ्टर एंड्रॉइड 12, तो उस अपडेट के बाद से जो है ना मुझे फ़ोन में जो लैग और जिटरिंग का इशूज था, कभी कभी ऐप जो ओपन करते टाइम क्रैशेस हो जा रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुके हैं। तो 201 MB वाला जो अपडेट था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि ये जो भी अपडेट है आप लोग के डिवाइस के लिए जल्दी रिलीज किया जाए, तो इसीलिए वीवो के टेक्निकल टीम से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ ताकि आपको ये अपडेट जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको अपडेट प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप लोगों के हार्डवर्क के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी डिवाइस है, वीवो V20, V21, V20 Pro, V21e, उसमें जो भी सारी प्रॉब्लम्स आई है एंड्रॉइड 12 के बाद से गेमिंग के रिलेटेड और कुछ भी टेक्निकल इशूज के बारे में, वो सारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, ताकि मैं इसको वीवो के टेक्निकल टीम तक हाईलाइट कर सकूँ और आपके लिए क्विक अपडेट के लिए वहाँ पर डिमांड कर सकूँ। तो इसलिए आप जरूर टाइप करना, भूलना मत इस चीज़ को, नहीं तो फिर भी आप हमेशा इंस्टाग्राम पे मुझे तंग करते रह जाओगे, भाई मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे तंग करने तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम्स टाइप करो, मैं वीवो के टेक्निकल टीम तक आपका प्रॉब्लम आगे फॉरवर्ड करूँगा और वहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको क्विक अपडेट देकर के इसको फिक्स करने की ज़रूरत है, समझ गए। तो चलो गाइस, ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और गेम प्ले जो है ना उतना गौर मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर 40 FPS देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लैग भी, गेम पूरा लैग कर रहा, तो आपको गेम खेला नहीं जा रहा, समझ गए ना। बहुत दिन के बाद इसमें गेम प्ले कर रहा हूँ मैं, जल्दी गेम प्ले इसमें करता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे गेम प्ले पर गौर मत करना, मैं ऐसे कोई बहुत बड़ा गेमर नहीं हूँ, समझ गए।